उनको बताओ बम वगैरह नहीं है इधर कोई चीज़, कुछ नहीं भाई नहीं है। देखो इसकी हमने जेब चेक कर ली, कुछ नहीं इनके। ये सलमान है, पाकिस्तान का सलमान है, तो थोड़ा खाया पिया कर सलमान, हमारे सलमान जैसा बन जा तो तेरी भी पिक्चर बन जाएगी, है ना? नहीं बनना वो तो कुमारा। अरे आपका नाम, आपका नाम क्या है? कपिल शर्मा है। तो आप सिख हो? नहीं हिंदू। राम राम। जय श्री राम। गुजराती कितनी आती है? अब थोड़ी सी आती है, एक दो लफ्ज आते हैं। बोलो जितना आती है उतने बोलो। केम छो मजामा। तुम्हारा नाम सोच है? जैन छे। चले गुजरात। जब भी जाते दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ रिश्तेदार है। बस आप जैसे ही भाई हैं। अच्छा, पर पाकिस्तानी दोस्त मिल गए हैं जो लाहौर से आए हैं। लाहौर के पास गांव पड़ता है आपका? नहीं नहीं, लाहौर में। प्रॉपर लाहौर में? प्रॉपर लाहौर। आ जाओ इधर। अच्छा, वहाँ क्या करते हो आप? काम करते हैं। क्या काम? जूती का काम है खुद का। अच्छा अच्छा ठीक, वो बनाते हो जूते बनाने का काम है, तो कारीगर है आप? जी जी, हमारा खुद का कारखाना है, हम सारे भाई हैं, कजन है आपस। अच्छा, तो साथ में घूमने आए? साथ में घूमने, रात को हमने काम किया, दिन को घूम रहे हैं, अब रात को फिर जाके काम करें। वाह, रात को काम करके आए हैं और दिन में इन्होंने घूमने के लिए टाइम निकाला है और रात को वापस फिर काम पे लग जाएंगे। तो सलमान तो वो था ना? जी, तो ये सलमान है, पाकिस्तान का सलमान है, तो थोड़ा खाया पिया कर सलमान, हमारे सलमान जैसा बन जा तो तेरी भी पिक्चर बन जाएगी, है ना? नहीं बनना वो तो कुमारा। अरे आपका नाम, आपका नाम क्या है? लियाकत। लियाकत भाई ये बोल रहे हैं, इसको तुम्हारा नहीं हमारा ही सलमान रहने दो, वो तो कुमारा है। तो इसकी तो शादी होगी? शादी होगी, तो हम आएंगे शादी में सारी कोने। जब सुलेमान भाई शादी करेंगे तब तो फिर सोचेंगे। देखो कितना सेंस है उस राइटर में जिसने स्टोरी लिखी थी। उन्होंने बड़े दिमाग के देख देखे ना, किरा और ISI दोनों को मिला के फिल्म बना दी। तो ये तो है, तो ये इधर पाकिस्तान का परचम है, इधर भारत का। हाँ दोनों ने पकड़ा, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं, पहले तो एक थे, अब एक होने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। रूस, मैं तो सोचता हूँ यार ये यूक्रेन, अमेरिका होना चाहिए, जंग लगा इतने लड़े मंडे फिर आपस में। देखो काफी अगर अच्छा होगा अगर हम जुड़ जाए वापस, तो दुनिया को दिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई थे, भाई है और भाई रहे। तो अगर हम किसी भी वजह से अगर एक हो जाए, जो भी मसले हैं तो वो अगर हल हो जाए, तो हम दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। आपस में भिड़ के तो हम अपनी ताकत कम कर रहे हैं। हाँ। तो ये भी बढ़िया सोच हमारे भाई लोग जो यहाँ हमें मिले हैं। जैसे हमें हिंदुस्तान से आने वालों के लिए पासपोर्ट लगता है, तो इनका तो खुद का देश है कुछ नहीं लगता, ये यहाँ का ID कार्ड ऐसा लगता है। तो ये रमेश भाई है हमारे, ये इनका ID कार्ड है, तो उनको फिर ऐसा कार्ड एक मिल जाता है एंट्री करने के लिए गुरुद्वारा में आने के लिए। जैसा पासपोर्ट देने के बाद हमें ऐसा मिलता है, तो उन लोग के प्रोसेस बिल्कुल आसान है। और पैसा कितना लेते हैं? कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ। फ्री ऑफ है? तो अच्छा है, तो लोकल है ना? लोकल है ना? जी जी, इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आना, और हमें फीस देनी पड़ती है 1500 से 1900 के बीच। जैसे आप अगर पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर करवाते हो तो उसके हिसाब से लगता है, नहीं तो फिर कम लगता है। तो अब हम जाएंगे लंगर लेने के लिए और आप जाएंगे घर सीधा? ठीक है, तो फिर मिलेंगे। भाई का नंबर लिया है मैंने। लंगर हॉल में आ गए हैं खाना खाने के लिए। गिलास लिया तूने भाई? गिलास, प्लेट, चम्मच, पाकिस्तान में भोजन। वो हमारे हिंदू भाई थे, वो चले गए नहीं, तो उनको भी मैंने बोला था कि आप हमारे साथ आओ और हम लंगर प्रसाद साथ में लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बोर्ड लगे हुए, उर्दू है और पंजाबी, मैं दोनों नहीं पढ़ सकता। कृपया पैसे दान पत्र में डालें, हिंदी में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ दान भी हम निकलते टाइम कर देंगे। हमने प्रसाद जो लंगर है वो ले लिया है। जी बस आपका नाम? कपिल शर्मा है। कपिल। तो आप सिख हो? नहीं हिंदू। राम राम। जय श्री राम। कपिल शर्मा मिल गए हमें पाकिस्तान में और वो भी हिंदू है, तो जय श्री राम। तो आप यहाँ पे सेवा करते हो? सेवा करते हैं। तो आपको वीडियो में हम लेंगे, मार्केट में चलोगे मेरे साथ थोड़ी देर?
इधर उधर उधर नहीं चलना, इधर हमारी सेवा संगत है, उन्हें खाना वगैरह खिलाना है। ठीक है, तो 5 मिनट मिलना मुझसे। कपिल शर्मा तो बहुत बड़ा कॉमेडियन है इंडिया में, वो दूसरे हम इधर सेवादार है। नाम एक ही है बस, मिलिए कपिल शर्मा। और ये क्या है, ये चावल कौन सा है? ये मीठे चावल है। ये मीठे चावल है और ये तो पुलाव है, वो तो पता है। और ये दाल है, ये सब्जी है, रोटी। कपिल रहते कहाँ पर हो? मैं इधर सिंध में रहता हूँ, जिला गोट की। जिला? जिला गोट की। गोट के जिले में रहते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ जी, स्टडी की। कितनी पढ़े हो? 10th। 10th तक पढ़े हो। कपिल शर्मा मिल गया हमें और 10th में पढ़ रहे हैं, सिंध से। हाँ जी, ठीक है, बाद में मिलते हैं। ओके। नंबर देना तेरा, मेरा ले लेना। हमें सेवा देते हैं हमारे हिंदू भाई। आपका नाम क्या है? मनोहर। और ये कपिल शर्मा, ये मेरा दोस्त है खास पाकिस्तान में। विनोद कुमार। विनोद कुमार। आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। चलो भाई, तो ये यहाँ पर गुरुद्वारा में सेवा देते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर प्रसाद हमें मिला, काफ़ी प्यार से इन लोगों ने खिलाया भी। और अब हम जा रहे हैं मार्केट की ओर। जैसे हिंदुस्तान में गुजरात है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी गुजरात है। तो ये भाई हमारे पाकिस्तान के गुजरात से हैं, तो नमस्कार, ऐसे ऐसे हेलो कर दो। हेलो। आपका नाम भाई? जैन नाम है मेरा। गुजराती कितनी आती है? अब थोड़ी सी आती है, एक दो लफ्ज आते हैं। बोलो, जितना आती है उतनी बोलो। केम छो मजामा। तुम्हारा नाम शू छे? जैन छे। अच्छा, कितना पढ़ाई करी छे? मैंने एफए की है। हां, एफए। आपका नाम? तैमूर। तैमूर भाई। और सकलैन? सकलैन। सकलैन मुश्ताक या अब्दुल्ला? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, सकलैन मुश्ताक हमारा फेवरेट गेंदबाज, बढ़िया बॉलर था वो भाई, क्रिकेटर है। आप जितनी बोटियां मांस की खाओगे ना, उतनी बारी सिर कलम होगा आपका। ये बात सच है। ये बात से हमारा पाकिस्तान भाई बहुत खुश हुआ। ये बात होगी, कोई भी कैसा मिले, सिर्फ आप अपने करते भी छूट आजकल सारे। हमने घूम लिया, कुछ थोड़ी सी चीजें भी खरीद ली, और लाहौर से हमारे मित्र, हमारे भाई हमें मिल गए। आपका नाम बोलो भाई। अली गुजर। अली गुजर। और सुबैर अली। सुबैर अली भाई। और आप? वसीम अहमद। वसीम अहमद भाई। तीनों ऐसे यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं जैसे हम समझ लो कि बचपन के दोस्त हों। और जो मुल्क, दोनों मुल्कों के बीच वाली जो सरहद है ना, वो इस वक्त तो हमें पता ही नहीं, हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि आपके देश में क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या। तो ऑलमोस्ट दोनों कंट्रियों में सब कुछ सेम ही है, लोग भी सेम है, रहन सहन कल्चर सारा सब कुछ एक है। जैसे गांव में खेत में बैठते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर अभी इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। पीछे गुरुद्वारा, पीछे गुरुद्वारा है हमारे पीछे, ये रहा गुरुद्वारा। सामने दूर दूर एक फेंसिंग दिख रही है, उससे आगे हम नहीं जा सकते, ये तीनों जा सकते हैं, एक दो और ये तीन। ये तीनों वाकई नसीबदार हैं, पूरा पाकिस्तान घूम सकते हैं, हम नहीं घूम सकते, लेकिन हम इंडिया भी नहीं घूम सकते, जैसे नहीं घूम सकते। हाँ, तो किसी दिन ऐसा अगर उनको बताओ बम वगैरह नहीं है इधर, कोई चीज़ कुछ नहीं भाई नहीं है। देखो इसकी हमने जेब चेक कर ली, कुछ नहीं इनके पास, खाना भी नहीं है, सिगरेट भी इनसे निकलवा दिए भाई। तो अच्छे लोग बहुत है इधर, तो नकारात्मकता हम अपने दिमाग से निकाल देंगे। यहाँ पर ढेर सारे हमारे पाकिस्तान भाई हमसे काफ़ी दूर से हम यहाँ पर बैठे थे और आकर गले मिलने लगे और दूर से अपने प्यार से हमें इतनी बातें की कि हमें वाकई ऐसा लगा कि हम दूसरे मुल्क में नहीं हैं, हम अपने ही घर पर हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप सब कहाँ से हो? मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह से। मैं जिला खानीवाल से हूँ। खानीवाल मुल्तान। ये मैं पेशावर से। मैं गुजरात से हूँ। हैदराबाद से। हाँ, गुजरात। अच्छा जी जी जी, आप कहाँ से हो? हैदराबाद सिंध। आप गुजरात से? आप? बिहाड़ी से। बिहाड़ी से। मैं सवाबी बिहाड़ी। मैं तहसील मियाँ जनू, पता ही है, पंजाब सरगोधा से। ओके, तो इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ी खुशी हुई आपको इधर देख के। आप इधर आते रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। इंडिया पाकिस्तानी भाई नाते इस तरह पाकिस्तानी भाई भाई इंडिया पाकिस्तानी भाई 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 इंडिया पाकिस्तान भाई ही है। तो अभी हम सब हमारे पाकिस्तानी भाइयों से मिले और अब थोड़ा भाई को भूख लगी थी, राजवीर भाई को, और मुझे भी लगा मैं थोड़ी चाय पी रहा हूँ और सामने हमें भाई बुला रहे कि हमारा भी वीडियो ले लो।
गुरु नानक जी ने यहाँ पर अपने अंतिम 18 वर्ष जो थे वो बिताए थे। तो ये जो ज़मीनें हैं आज भी उन्हीं के नाम है और यहाँ पर खेती वगैरह अभी भी किया जा सकता है। और ये सामने जो है निशान है, जो सिख धर्म का निशान है, उसके हिसाब से पार्क बनाया गया है। दूर दूर तक खेत है, उसके अंदर भी जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, लेकिन हमें नहीं जाना है। सामने गुरुद्वारा तो लिखा है निशान साहिब। ये लोग भी आ रहे हैं पाकिस्तान से निशान साहिब के लिए। तो इस खेतों की थोड़ी सी मिट्टी हम साथ में हिंदुस्तान लेकर जाएंगे और इस पाउच में थोड़ी सी मिट्टी हम लेकर जाएंगे। बसें इंतजार कर रही हैं, इंडिया से आए यात्री जल्द से जल्द जाएं, फिर मिलेंगे। इंडियन कौन सा यूट्यूब? यूट्यूब लिखो, मोबाइल है प्रभु द एक्सप्लोरर लिखो। कौन सा? प्रभु द एक्सप्लोरर लाओ मोबाइल में। नेट नहीं है, मैं मोबाइल नेट वाला हूँ। हाँ ले। और कुछ चाहिए तो बोल, रुक जाऊँ इधर तेरे घर पे लेके जाएगा। कौन सा ब्लॉग है आपका? प्रभु द एक्सप्लोरर कर है। प्रभु द एक्सप्लोरर, और नेटवर्क आ रहा है तो दिखा देगा अभी। सत श्री अकाल, आप कहाँ से हो? हम लाहौर से। लाहौर से? आप कहाँ से है? हम गुजरात से हैं और ये भाई पंजाब से। गुजरात से? हाँ आज, लेकिन हाँ नहीं, अहमदाबाद से भी आगे। अच्छा, कच्छ जो है ना बॉर्डर पर पूरा। अच्छा, वो सिंध के साथ जो है ना। हाँ वही और थर पारकर, नगर पारकर, बदीन और सिंध। बदीन तो बिल्कुल पास में। बदीन बिल्कुल पास में। हाँ बुढ़िया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? पूरा नाम बताओ। पूरा नाम बता दो बेटा। बतूल फातिमा। ठीक है, किस नाम से आपका? सूरत भी उधर ही है ना? हाँ सूरत उधर है। तो काफ़ी मतलब कपड़ा उधर होता है? कपड़ा पूरे ऑलमोस्ट हिंदुस्तान का कपड़ा वहीं पर। सूरत वहीं ना? हाँ जी। आप लाहौर में ही रहते हो? हाँ जी, मैं गया हूँ ऐसे इंडिया 3-4 बार। अच्छा, इंडिया भी अच्छा ही मुल्क है। हाँ, ये न्यूज वाले कुछ अलग दिख, यही है वैसा इंडिया में, ज़रा फर्क नहीं लगा। बिल्कुल, हमें तो सुबह से ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अपने ही मुल्क में। पहली दफ़ा आया? हाँ पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा मैं यहाँ तक तो परिवार के साथ, फैमिली के साथ आऊँगा। तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो उस दिन अगर आ जाओगे आप तो आपसे भी मिल लेंगे। मैसेज इस पे ये? जी हाँ जी। यूट्यूब पे कर दो। हाँ यूट्यूब पे आप तो कमेंट लिख दोगे ना आपका नाम, कि मैं आपको मिला था। तुम्हारा नाम क्या है भाई? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। तुम्हारा? इब्राहिम। चलो कभी इंडिया आना हो तो मिल जाइए। गुजरात जब भी जाते दिल्ली जाते। दिल्ली जाते? हाँ बिल्कुल। वहाँ रिश्तेदार है? बस आप जैसे ही भाई हैं। अच्छा, एक ही है सब? सब एक ही। चलो फिर ठीक है। ओके थैंक यू। टाटा कर दे बेटा। पगड़ी मार। टाटा कर दे, एक बार ऐसा कर दे। बस चलिए। तो निकलते हमें एक और पाकिस्तानी परिवार, प्यारा सा परिवार मिल गया, उनसे भी मुलाकात हो गई। तो फिर कभी इफ़ पॉसिबल तो फिर आएंगे, आगे भी जाएंगे अगर आगे के लिए हमें मिलती है परमिशन तो। चलो तो अभी यहाँ से, गुरुद्वारा से निकलने का समय हो गया।